पिछले दिनों में राधे माँ पर कंट्रोवर्सी हुई, आपने भी समर्थन किया, आपने कहा कि उनको देवी बोलने से कोई आपको गुरेज नहीं है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? वैसे मैं यहाँ पे इस विषय को लेना नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी हमारी ये देश की संस्कृति है, हम तो नारी को देवी कहते हैं, तो अगर कोई दैरी कहते हैं कि उसको देवी है तो मुझे कहने में क्या एतराज है? मैं किसी भी नारी को कहूंगा देवी कहूंगा। अगर दूसरे नजरिए से कहें कि आपको क्या कमी लगती, लोग उसको कोई उसको किसी को कोई फॉलो, यहाँ पे इस देश में इतने पंथ, इतने धर्म, इतने वो मिशंस हैं, काम करते हैं, आप उनकी गिनती नहीं गिन सकते। हम हर एक का अलग अलग नजरिया है, कोई कहता है बाल बड़ा, वो गुरदास मान का गाना मुझे याद है, कोई कहता है बाल बड़ा, कोई कहता बाल कटा, वो खींचो कहता तू तो मस्ती मना। कहने का मतलब ये है कि हर एक के अपने अपने नजरिए हैं, और अगर मैं कहूं कि मुझे कोई कहता है वहां क्यों जाते हो, मेरी मेरे क्षेत्र की रहने वाली है, उस नजरिए से भी जाऊंगा। नारी है, नारी को देवी कहने के मुझे कोई गुरेज नहीं है। दूसरा, अगर किसी ने मुझे, जब मैं पार्लियामेंट में था तो मुझे फटाफट किसी ने क्वेश्चन किया आगे जाके पार्लियामेंट के, आपके घर पे भी आई थी, आप भी उसके पास जाते हो, मैंने कहा मेरे घर, मेरे क्षेत्र की रहने वाली है तो क्यों नहीं आऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो हर घर पे जाके वोट मांगता हूं, तो मेरा जाने का मेरा क्यों नहीं जाऊंगा। दूसरी, आपने वो क्रिमिनल है, ऐसे कैसे कह दिया आपने किसी के ऊपर FIR दर्ज होगी क्रिमिनल। तीसरा, जो उसके कोई आधार नहीं है, आधारपूर्ण अभी बता रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है तो कोई क्यों नहीं होगा। तीसरा, किसी ने उसके ऊपर लिबास के ऊपर कहा कि उसने लिबास स्कर्ट पहनी थी, ये टॉप पहना था, ये था। मुझे ये आया कि एक तरफ तो आप नारी के उसके खुलेपन की बात करते हो, मुझे याद है कि किसी एक हरियाणा के मंत्री का किसी ने आ गया था, उसने स्टेटमेंट दे दिया था, क्योंकि बोलने के लिए इस विषय के ऊपर बड़ा संकोच करके बोलना पड़ता है, कल ही आप कह दो कि विवादित बयान दे दिया, मगर क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे हैं ये भी मेरे साथ समर्थन करेंगे, महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये भी समर्थन। उसने कह दिया था कि महिलाओं को पूरे कपड़े के साथ ढक कर बाहर जाना चाहिए, तो 3 दिन तक टीवी पर डिबेट होती रही कि आपने नारी के अधिकारों के हनन कैसे किया, आपने ये क्यों किया, वो किया, क्या उसको आज उस नारी को अधिकार ही खत्म हो गया? आज वो नारी का हनन नहीं हो रहा, अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, वो उसकी मर्जी है, वो क्या करना चाहती क्या नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैं देवी हूं, आप मानो ना मानो, हम तो गाना भी सुना है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, उसके ऊपर डोरी का एक्ट है कि किसी तीसरे की बहू के ने दोष लगाया है कि मुझसे ये डोरी मांगती, उसकी अपनी 2 बहुएं हैं, अपनी शादीशुदा घर में बस रही हैं, वो खुशहाल हैं, वो अगर डोरी मांगेगी तो अपनी बहुओं से मांगेगी कि पड़ोसियों के घर पे जाके मांगेगी? ये अजीब सा लगा मुझे क्वेश्चन। सो आपराधिक मामले कुछ, क्योंकि मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता, ये देश के साथ, देश की समस्याओं के साथ जुड़ा विषय नहीं है, ये मेरे निजी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हो सकता है, मेरे निजी विचारों से जुड़ा हो सकता है। विजय जी, आप यहाँ पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस कार्यक्रम में खास तौर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।